फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नी फॉर यू। आज हम बात करेंगे फ्लैशिंग के बारे में। ओके, मोबाइल को फ्लैश कैसे करते हैं। कोई भी मोबाइल हो, आप उसका सिर्फ फायरवेयर डाउनलोड करके और उसमें इंस्टॉल करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है J2 SM J2 200। ओके, J200F। ओके, इसको हम आज इंस्टॉल करेंगे। ये बंद हो गया है, लोगों सिर्फ दिखा रहे हैं, लोगों से आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, इसे हम फ्लैश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आपको दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये फायरवेयर है, इसका साइज़ तकरीबन 1 GB की फाइल। ओके, और ये इसका फ्लैश प्लेयर है। ओके, हम सबसे पहले इसको यहाँ स्ट्रेक करेंगे। स्ट्रेट, ओके, हो गया स्ट्रेक। ओके, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओके, ये ओपन हो गया। इसका लोगो कुछ इस तरह होगा, और बैक करके उसे भी एक्सट्रेट करके ये थोड़ा टाइम लगेगा। ओके दोस्तों, फाइल स्ट्रेक है। ओके, ये थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, या मैं न्यू एक बार आप गूगल पे जाना है, फायरवेयर और ड्राइवर, और हम वो कैसे डाउनलोड करेंगे ODN। और आपको मैं इतना कह दूँ दोस्तों, ये सिर्फ कुछ मोबाइलों में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, मेट्रोला का बिल्कुल ही मुख्तलिफ है उसका फ्लैशिंग। अगर आप चाहते हैं मैं उनके रिलेटेड बताऊँ आपको, अगर बहुत वो भी आसान है, सिंपली सब उनके फ्लैश प्लेयर का फ्लैश प्लेयर अलग है सबके। ओके, और क्यू मोबाइल वगैरह हो गया उसका अलग है MTK। ओके, और आपको यहाँ राइट करना पड़ेगा मॉडल नंबर, जैसे कि मेरा मॉडल नंबर मैंने सेव किया हुआ है डिस्प्ले पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और शायद मैंने डिलीट कर दिया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ सैमसंग देखो आ गया। ओके, आपको सिर्फ इतना लिखना है फायरवेयर। ओके, नीचे खुद ही लिखा आ गया सैमसंग गैलेक्सी, मॉडल लिखना है SM J200F। ओके, मेरा मोबाइल का मॉडल है, आप बैटरी निकाल के पीछे से देख भी सकते हैं। ओके, मॉडल लिखा होगा। और आपको फॉर्म में सबसे सिक्योर वेबसाइट यही है दोस्तों, आपको ये लॉगो इन करना, साइन, अगर आपका अकाउंट है तो सही है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप नहीं करेंगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आपको ये वेबसाइट खोलना है। ओके, और आपका मोबाइल जो जिस जहाँ का है, आप वहीं उसके रिलेटेड फायरवेयर डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि अमेरिका का है, अफ्रीका का है, आई व्हाटएवर जो भी है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली मुझे ही पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ का है, मगर मैंने अरब इमारात का डाउनलोड किया है फायरवेयर। ओके, आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड, इसके अरब इमारात, आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी आपको मॉडल है आप उसके रिलेटेड गूगल पे सर्च करेंगे और आपको डायरेक्ट ही शो करेगा same.com। ओके, same mobile.com। ओके, बहुत सिक्योर वेबसाइट है, ऑलमोस्ट आपको सब मोबाइलों के फायरवेयर यहीं से मिलेंगे, ऑलमोस्ट जितने ही मोबाइल हैं। ओके, फिर इसके बाद ये लोगो शो करेगा, आपको अगर बाय करना है तो आप फास्ट डाउनलोड कर दें, वरना वही रेगुलर डाउनलोड। ओके, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद न्यू पॉपअप खुलेगा। ओके, उसके बाद आपको इसके डाउनलोड पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड लेगा। आई होप सारे टूल आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। आई होप, देखते हैं, स्ट्रेक हो रहा है, शायद हो भी सकता है। ओके, 4 सेकेंड रहते हैं, ये फायरवेयर। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, अब आप रेडी हो चुका है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्लिक करना है, सिंपली आपके सामने पॉपअप खुलेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ इसलिए। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी 1 GB की फाइल है और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, स्ट्रेक के बाद देखते हैं, शायद उसमें हो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा ODN आपको कैसे डाउनलोड करना है, इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा रहते हैं। हो गया। ओके दोस्तों, नहीं है। ओके दोस्तों, नहीं है इसके अंदर, आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले
आपको गूगल पे वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपका मॉडल लिखा हुआ है, आपको सिर्फ फायर मिटाना है। ओके, आपको पूरा मिटाना होगा और ओडियन, ओके ओडियन लिखना है, ओडियन न्यू वर्जन जो आपको दिखा देगा, ओडियन ओडियन दिखाएंगे आपको सिक्योर इसकी अपनी वेबसाइट है www.odiandownload.com। ओके, आप इसकी सिक्योर वेबसाइट रहेंगे, लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करेंगे। ओके, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, सॉरी दोस्तों। अगर दोस्तों आप डाउनलोड करते हैं, सिंपली आपको डाउनलोड आई होप करना आता होगा, और आप जो भी लेटेस्ट है आप वो डाउनलोड करें, जैसे कि 12 अभी लेटेस्ट है, आप इस पर सिंपली करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा। ओके, आखिरी स्टेप इसके ड्राइवर्स, USB ड्राइवर्स। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल का मॉडल लिखना है ऐसे, जैसे कि मैंने अभी लिखा था सैमसंग। ओके, फायरवेयर, और फायरवेयर को मिटा के ओके दोस्तों, आपको लिखना है USB ड्राइवर्स। ओके, ऐप इतना लिखेंगे, और सॉरी USB, ओ सॉरी दोस्तों, ओ रियली सॉरी, USB ड्राइवर लिखने। ओके, आपको दिखा रहा है डाउनलोड अपडेट सैमसंग सॉफ्टवेयर। ओके, सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप इजीली अपना ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर आपको मोबाइल, अगर कंप्यूटर आपका नहीं उठा है तो आप देख सकते हैं, सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, हमारे सारे सेटअप पूरे हो चुके हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसकी जानेब, आपको सिंपली स्ट्राइक करने हैं दोनों फाइल। ओके, उसके बाद आपको ये पॉपअप खोलेगा, अब आपको मैं बताऊँगा कि आपको मोबाइल के अंदर क्या करना है। ओके, सबसे पहले आपको मैं लोगो दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको मोबाइल अपना शट डाउन करना है। ओके, शट डाउन करने के बाद आपको सिंपली मैं आपको पिक्चर, ये पिक्चर है। ओके, सबसे पहले आपको वॉल्यूम डाउन बटन आपको इंडिकेट कर रहा है, और होम बटन और पावर बटन तीनों एक साथ दबाने, होल्ड करने, उसके बाद आपके बिल्कुल शट डाउन करके आपको ये प्रोसेस करना है। ओके, और ये क्लोज कर दो, अगला इसके बाद आपके सामने ये शो करेगा, सबसे पिक्चर ये वार्निंग कस्टम OS वॉल्यूम आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको ये प्रोसेस शो करेगा दोस्तों, ये सेकेंड वाला प्रोसेस डाउनलोडिंग टू नोट टू नो। इसके बाद आपको इसको अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट करना है। ओके, इसके बाद इस ऑप्शन के बाद आपको मोबाइल अपने लैपटॉप के साथ USB के ज़रिए कनेक्ट करना है। ओके, और आपको पोलिंग करेगा, यहाँ कुछ इंडिकेट करेगा। ओके, उसके बाद आपको API पे क्लिक करना है, और सिंपली क्लिक करना है जहाँ आपने फाइल सेव की है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है। ओके, ओडियन आपको सिंपली ये सिलेक्ट करना है। ओके, आपको ये अभी प्लीज़ वेट, अभी ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, सिलेक्ट होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, और ओके दोस्तों आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं अपना मोबाइल अपने इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, सारे प्रोसेस के बाद जो मैंने आपको समझा, उसके बाद आपको अपना पोलिंग करना है अपने USB अपना मोबाइल। ओके, मैं पोलिंग कर देता हूँ। ओके, और दोस्तों ये जो IDM डोंट लिखा हुआ है मोबाइल में कनेक्ट करूँगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगा, यहाँ कलर आएगा पता नहीं कौन सा, आप देख सकते हैं, एक मिनट। ओके दोस्तों, कंप्यूटर ने आवाज़ किया। ओके, अभी यहाँ कुछ आएगा। ओके दोस्तों, इंडिकेट ये आप देख सकते हैं, 0.com। ओके, यह आ चुका है, बहुत आसान प्रोसेस है। उसके बाद आपको करना क्या है, ओके उसके बाद आपको क्या करना है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ एडिट आ गया। ओके, हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, आपको सिंपली भी करना क्या है, सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है। ओके ओके दोस्तों, आपको सिंपली अब करना क्या है, बस स्टार्ट पे क्लिक करना है। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके दोस्तों, बहुत टाइम लगा, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं फाइल इज नलेडेड, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप ग्रीन यहाँ आपको पट्टी शो कर रहा होगा। ओके, ये ग्रीन आप पट्टी देखते हैं, सिस्टम इंस्टॉलर इसके अंदर, और आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको अभी अब करना क्या होगा, मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, आगे जो भी प्रोसेस आएगा मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत टाइम लगा। ओके दोस्तों, मैं स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोसेस। ओके पास। ओके, आपको उसके बाद ये मोबाइल आपका ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप कर सकते हैं और अपने मोबाइल को फील फ्री करके यूज़ भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना,
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। ओके ओके दोस्तों, अपने ख्याल रखना। अल्लाह।